हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। यहाँ पे आज लेटेस्ट टॉप 4 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके फॉर्म जो आ चुके हैं एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और फॉर्म इस समय फिल हो रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। एक एक करके बात करेंगे, प्रॉस्पेक्टस से हम आपको दिखाएंगे डेट, फीस, कोर्स वगैरह सब कुछ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अगर उस यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते हैं जिसकी हम दिखा रहे हैं, तो आप स्किप करके नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर सभी यूनिवर्सिटी में फेलोशिप अच्छी खासी हैं। नेट तथा विदाउट नेट वाले सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, और जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसी के तहत यहाँ पे भी एडमिशन होगा। आपके पीजी में 55% मार्क्स और रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी अपडेट आपको मिलती रहा करे। बढ़ते आगे, तो सबसे पहले नंबर की जो यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये नौनी सोलन में है और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। प्रॉस्पेक्टस ये हम देखते हैं फॉर एडमिशन टू डॉक्टरल प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहले फीस, तो फीस आपकी किस तरह से है। अनरिजर्व के लिए 1300 रुपये है। ए अगर आप ए में हैं तो फिर 1300, बी में हैं 1300, और दोनों रहेगा तो 2600। अब उसके बाद ये फीस EWS, OBC और SC ST के लिए है, आप इसको भी देख लीजिएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25/9/2021 है, मतलब 25 सितंबर 2021 है, ये आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंसिप जिसको हम कहते हैं कि फेलोशिप, तो आप देख सकते हैं जो मैं आपको बताया था, 5000 पर मंथ मिलेगा। यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप वन इन ईच डिसिप्लिन, मेरिट स्कॉलरशिप के तहत। और उसके बाद ICAR फेलोशिप जो है वो तो इतना है, ठीक है। और 2500 ये जो पर मंथ है ये यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड फॉर HP डोमिसाइल स्टूडेंट, ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो, मतलब हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको। और बाकी जो फेलोशिप हैं वो तो मिलनी है आपको, अगर आप फेलोशिप गेन किए हैं तो। यहाँ पे आप सीट देख पा रहे होंगे, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटमोलॉजी, फ्लोरटिकल्चर, लैंडस्केप आर्ट्स, फूड टेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, वेजिटेबल साइंस वगैरह वगैरह। उसके बाद PhD फॉरेस्ट्री में भी सेरीकल्चर, सिल्वी कल्चर, सॉयल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज, इन सब में सीट हैं। हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री दो से निकली थी, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं, आप इसके साइट पे जाके विजिट कीजिए। YSP यूनिवर्सिटी डालेंगे, YSP यूनिवर्सिटी, तो आपको तुरंत आपको डायरेक्ट साइट मिलेगी, आप इसको देखिए जाके। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर। एडमिशन नोटिफिकेशन PhD डिग्री प्रोग्राम के लिए जारी है। सितंबर 20 जो है इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIET जो है उसका सितंबर 30 लास्ट डेट है। आप AIET के तहत भी ले सकते हैं, और बाकी उसके लिए तो ऑनलाइन आपको करना ही होगा। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, तो दोस्तों आप इसको जाके डिटेल में पढ़िएगा, मैं आपको मोटा मोटी सिर्फ बता रहा हूँ, पूरी डिटेल्स एक वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, 4 यूनिवर्सिटी कवर करनी है। तो प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है, देयर सेल बी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट AIET के तहत, तो आप इसको देखिए। और गेट, UGC, नेट, JRF, CSIR, SLET, इन सब के लोग भी एलिजिबल हैं। एलिजिबल क्या है, ये लोग एग्जेम्प्ट होंगे AIET से, यहाँ पे लिखा भी है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन में आप ये वाला सेक्शन देखिए, यहाँ पे लिखा है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, मतलब ये सारे लोग एग्जेम्प्ट होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है, 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, 15000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो वो सब की बात तो आप देख सकते हैं, बाकी वो सब बाद में। उसके बाद यहाँ पे PhD में फुल टाइम तथा पार्ट टाइम दोनों तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी ये डिटेल्स रही, आप इसको ध्यान से, अगर पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप जाइए महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब एम्स। एम्स जो न्यू दिल्ली है, इसका जो जुलाई 2021 सेशन का है वो PhD के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जा चल रहा है, आप आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन CBT ऑनलाइन मोड में होंगे, और 31/8/2021 से फॉर्म ओपन है, 15/9/2021 शाम को 5 बजे तक लास्ट डेट है। PhD प्रोग्राम की जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं है, वो बाद में अनाउंस होगी, और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो 1.5 घंटे का ही होना है। बाकी प्रॉस्पेक्टस देखना है तो आप इस साइट पे विजिट करके प्रॉस्पेक्टस फटाफट डाउनलोड कर लें।
पूरी डिटेल्स एक वीडियो में नहीं हो सकती, इसलिए नहीं बता रहा। तो लास्ट है ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये गया बिहार में है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें अच्छी खासी फेलोशिप है, आप चिंता ना कीजिएगा। और पीएचडी प्रोग्राम में यहाँ पे आवेदन शुरू हुए थे 25 अगस्त 2021 को। लास्ट डेट अप्लीकेशन फॉर्म का है 10 सितंबर 2021 फ्राइडे। तो एक हफ्ते का टाइम है, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर ले सकते हैं। फीस आपका यहाँ पे दे सकते हैं, जनरल ओबीसी और डब्ल्यूएस का 800 है, SC ST ट्रांसजेंडर का 350, PWD का कोई फीस नहीं है, और कैसे एग्जेम्पशन भी है। और उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंसशिप भी, यहाँ पे आप इसको डिटेल पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ इंटरव्यू किस तरह से होगा, और ये ऑफलाइन होगा मोड ऑफ इंटरव्यू। जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ है किस तरह का, आप ऑनलाइन करें, हेल्पलाइन भी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये चार यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके बारे में हमने बताया आपको, और भी डिटेल्स जैसे ही फॉर्म आते हैं हम देखते रहते हैं और आपको तुरंत फिर अपडेट दी जाएगी। आप इन चार में बेफिक्र आओ के आवेदन करना चाहें कर सकते हैं, उससे पहले आप साइट पर विजिट करके सारी क्राइटेरियाज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और कोई कम आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का सजेशन देना चाहें, कोई भूल चूक हो और हमसे तो वो भी बता कर सकते हैं आप। वीडियो की डिमांड है या फिर किसी क्वेश्चन पेपर, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।